वालेकुम दोस्तों कैसे हो आप सब मैं हूँ अरीज और आप हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल अरीज शै नावल्स पे तो गाइज आज हम रीड करेंगे इस हफ्ते की आखिरी एपिसोड यानी कि एपिसोड नंबर फोर्टी टू तो गाइज जो लोग कह रहे थे कि इज़ा और तमियार की शादी करवाओ शादी करवाओ वो रेडी हो जाओ यार नेक्स्ट वीक में हम शादी करवा देंगे उसके बाद जो लोग कह रहे हैं ज़बर और शनाया की स्टोरी स्टार्ट करो तो नेक्स्ट वीक में हम वो भी कर देंगे उसके बाद जो कह रहे हो जरान और इबादत की रख्सती करवाओ तो नेक्स्ट वीक में हम वो भी कर देंगे और जो लोग कह रहे हैं कि बारिक और जहरिश के सीन कम है तो नेक्स्ट वीक में हम वो भी कर देंगे और उसके बाद जो लोग कह रहे हैं शहीर और नाम इजना भूल गया ओ oh, अरूश अरुष की सेटिंग करवाओ तो वो भी हम नेक्स्ट वीक में कर देंगे मतलब कि हम सब कुछ नेक्स्ट वीक में करेंगे ये क्योंकि इस हफ्ते की आखिरी एपिसोड है तो नेक्स्ट वीक में हम रोमांटिक रोमांटिक एपिसोड्स लेकर आएंगे क्योंकि नया साल शुरू हो रहा है और नया साल वैसे इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से तो नया साल नहीं है वो तो है उस बारे में बात नहीं करते लेकिन ये है कि एक नया कैलेंडर स्टार्ट हो जाएगा तो लेट्स स्टार्ट हम नए साल की शुरुआत फुल ऑफ रोमांटिक एपिसोड से करेंगे और और मैं क्या कहने वाली थी यार आज मेरे सर में आराम है <laughs> क्योंकि आज सर्दी थोड़ी कम है तो अब मुझे समझ में आया कि जब मेरे सर में दर्द होता है ये सर्दी की वजह से होता है आई थिंक सो और आज मैं ज़्यादा बकबक करूँगी क्योंकि नए साल में हम प्रोफेशनल अंदाज में करेंगे ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला मैं मजाक कर रही हूँ मैं, मैं प्रोफेशनल हो ही नहीं सकती जैसा कि आप सबको पता है कि आई एम इन तहाई वेली बंदी जो कि प्रोफेशनली कभी भी कुछ भी नहीं कर सकती तो नेक्स्ट यार मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना है uh, मेरा एक विश है आप सब लोग दुआ कीजिएगा वैसे दो विशेष हैं मेरी एक तो 2024 में मैंने uh, कुछ कुरानी सूरतें हैं आ, उनको मैंने हिफ्स करना है पानी और बाकी एक विश तो सबकी होती है वो तो मेरी हर साल होती है मैं मक्का जाऊंगी अपनी फैमिली के साथ इन इस साल ना सही अगले साल अगले साल ना सही उससे अगले साल जब अल्लाह पाक को मंजूर होगा तब लेकिन ये है कि जब भी मेरा नया साल शुरू होता है मैं अपने लिए दुआ ज़रूर करती हूँ और आप सब लोग भी दुआ कीजिए कि अपने लिए भी कीजिए और अपने अलावा मेरे लिए भी कीजिए कि मेरी भी ये ख्वाहिश पूरी हो जाए और मैं भी यार मुझे कमेंट सेक्शन में तय कि कौन कौन वहाँ पर गया हुआ है यार मैं सच्ची बताऊँ तो मैं तो कभी अपनी सिम में पाकिस्तान भी बहुत कम गई हूँ पाकिस्तान में भी मेरे हमारे रिश्तेदार हैं लाहौर में जेल में तो वहाँ पर कभी कभी जाना हो जाता है वो भी साल दो डेढ़ तीन साल बाद इस तरह से लंबा लंबा अर्सा गुज़र जाता है और बहुत कम गई हूँ पाकिस्तान साइड पे भी वरना यही कश्मीर की साइड पे घूम घाम के हम वापस आ जाते तो आप लोग दुआ कीजिएगा कि मैं जो ख्वाहिश लेकर जा रही हूँ 2024 में वो मेरी पूरी हो जाए और मैं अपनी फैमिली के साथ जाना चाहती हूँ यानी हम हमारी फैमिली में पांच लोग हैं एक मेरे अब्बू जी एक मेरी मामा जी उसके बाद मेरी आपी मेरे भाई और मैं हम पाँच लोग हैं तो मेरी विश है कि हम पाँच मक्का देखने जाएँ तो आप लोगों ने ये ख्वाहिश मेरी इसके लिए दुआ करनी है बहुत सारी दुआएँ करनी है कि हम पाएं। और बाकी और, और 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 एक जो मैंने आपको बोला कि मेरे लिए दुआ करनी है कि मैं जो हिफ्स करना चाहती हूँ वो मैं हिफ्स कर सकूँ और दूसरी नहीं तीसरी तीसरी हाँ भाई मैंने सात नावल लिखने मैंने आठ आठ नावल लिखने आठ उसमें इश्क सीजन टू सबसे ज्यादा जरूरी है जो चार साल से अटका हुआ है तो उसके लिए आप लोगों ने दुआ करनी है कि यार इस साल यार्पलीट हो जाए यार मेरी बातें ज्यादा हो रही हैं तो फिर आप लोग कहोगे बकबक बक करती रहती है तो चलो शुरू करते हैं यार आज के एपिसोड में बक बक अपनी बाद में कंटिन्यू कर लूंगी इधर से ही तो स्टार्ट आज के एपिसोड लेना शिदत जुनून किस्त नंबर फोर्टी टू तहरीर प्लीज़ यहाँ से जाओ वो मिन्नत बड़े लहजे में बोली कहा ना मेरे सवाल का जवाब दो मैं चला जाऊंगा वो सुकून से इसका चेहरा देख रहा था मेरे पास कोई जवाब नहीं है वो बेबसी की इंतहा पर थी ऐसा मैं मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकता दामियार शाह ने आज तक किसी चीज़ के लिए इंतज़ार नहीं किया है मैंने निकाह किया है मैं हक़ रखता हूँ तुम पर तुम्हारी इजाज़त का तलबगार नहीं हूँ मैं जब चाहूँ तुम्हें लेने के लिए आ सकता हूँ लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी मर्जी का मंतज़िर हूँ क्योंकि मुझे एहसास है कि मैंने तुम्हारे साथ मैं बहुत ज्यादती कर चुका हूँ अब मज़ीद मैं तुम्हें अपनी तरफ से कोई तकलीफ़ नहीं देना चाहता लेकिन तुम खुद मेरे लिए रास्ता मुश्किल कर रही हो और अपने लिए इम्तहान पैदा कर रही हो मुझे मजबूर ना करो कोई ऐसा कदम उठाने पर जिसके बाद तुम भी पछताओ और तुम्हारे भाइयों की इज्जत भी उछाली जाए वो इसके दोनों अतराफ़ अपने हाथ सख्ती से रखे इस मामले की संगीनियत का एहसास दिला रहा था देखो प्लीज़ आंसू साफ करो अपने एक आंसू मत बहाना तुम्हारे आंसू पसंद नहीं है मुझे मैं बस तुम्हारे होंठों पर अपने नाम की मुस्कुराहट देखना चाहता हूँ तुम्हारी आँखों में आंसू नहीं तुम्हारे आंसू मुझे तकलीफ़ देते हैं ईसा और मुझे तकलीफ़ मत देना बताओ मैं बारात लेकर कब आऊँ बताओ मैं बारात लेकर कब आऊँ मैं तुम्हें यहाँ तंग करने के लिए हरगज़ नहीं आया हूँ बस ये जानना चाहता हूँ कि मैं बारात लेकर कब आऊँ तुम्हारे घर पर अपने भाइयों को कब बताओगी हमारे निकाह के बारे में अगर तुम नहीं बता सकती तो मैं बता देता हूँ सबको सिर्फ़ एक मिनट लगेगा मुझे इन सबको ये बताते हुए कि तुम्हारा मेरा क्या ताल्लुक़ है और यकीन करो मैं नहीं जानता कि वो लोग मेरे साथ क्या करेंगे लेकिन अगर उन्होंने इनकार किया तो मैं इनके साथ क्या करूंगा ये तुम जानती हो वो इसके इतने करीब खड़ा था कि इसकी सांसों का लम्स वो अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी तुमसे दूर ना रहना पड़े मेरी जान इसीलिए इतना कुछ किया है मैंने अब हरगिज तुमसे दूर नहीं रह सकता चाहता हूँ तुम्हें मोहब्बत करता हूँ तुमसे इसलिए तुमसे निकाह किया है और निकाह के बाद मैं तुम पर कानूनी और शरी हक रखता हूँ तुम्हें यहाँ से ले जाने का कोई भी मुझे तुमसे दूर नहीं कर सकता इसीलिए मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम कब मेरी दस्तरस्त में आना चाहोगी कब मेरी जिंदगी को अपने खूबसूरत वजूद से महकाओगी कब मेरी बेकरार धड़कनों को करार दोगी मेरी इन बाहों में आकर सिमटोगी इसका हाथ इसकी कमर पर गर्दश कर रहा था पूरे हक़ से पूरे इसतक से वो इसके पूरे वजूद को छू रहा था और वो ना तो इसे रोक सकती थी और ना ही खुद को इसकी पनाहों से आसाद करा सकती थी वो बुरी तरह से कैद थी इसमें और ऊपर से किसी के आ जाने का खौफ तो जैसे इसको पूरी तरह से अपनी लपेट में लिए हुए था मैं ऐसा करता हूँ कि आज ही तुम्हारे घर वालों को बता देता हूँ नहीं प्लीज़ नहीं खुदा के लिए नहीं मुझे थोड़ा सा वक्त दो मेरी फैमिली ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाएगी मैं ख़ुद कोई मौका देखकर सबको बता दूंगी मैं बहुत जल्द सबको खुद बता दूंगी तुम किसी को कुछ मत बताना प्लीज़ मेरी सिचुएशन में खुद हैंडल करने दो वो मिन्नत कर रही थी तुम बेकार में ये मुसीबत अपने सर ले रही हो मैं सब कुछ अच्छे से हैंडल करूँगा वो जैसे इसे यकीन दिला रहा था नहीं प्लीज़ नहीं मैं खुद करूँगी प्लीज़ मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ इस वक्त यहाँ से जाओ वो सचमुच में इसके सामने हाथ जोर गई थी दामियार के लबों पर दिलकश मुस्कुराहट आ गई थी जब दामियार ने आहिस्ता से इसका चेहरा थामते हुए इसके लबों पर अपने लब रख दिए थे इसकी ये हरकत इतनी अचानक थी कि इज़ा को संभलने का मौका ही ना मिला जबकि वो पीछे को हटता इसका गाल थपथपाते हुए बाहर निकल गया था मैं तुम्हारी तरफ से हाँ का मंतजिर हूँ मुझे ज़्यादा इंतज़ार मत करवाना माय लव दरवाज़े पर रुक कर इसने आखिरी जुमला कहा था जबकि वो वहीं दीवार के साथ बैठते खुद खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी इसकी आंख रात के किसी पहर शरीर के कहराने से खुली थी वो कमरे में कब आया इसे इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था वो काफ़ी देर इसका इंतज़ार करती रही थी लेकिन इसकी वापसी रात को देर से हुई थी और इस वक्त वो दूसरी तरफ मुंह किए बैठा था और अपने हाथ पर कुछ लगाने की कोशिश कर रहा था इसे इस बात का एहसास अभी ही हुआ था कि इस हादसे में इसके बाजू पर भी चोट लगी थी तुम ठीक हो वो बैठते हुए इससे पूछने लगी तो ना जाने क्यों शरीर को एक चुबन सी महसूस हुई क्या बात है मेरी बीवी मुझसे पूछ रही है कि मैं ठीक हूँ या नहीं शुक्र है तीन दिन के बाद तुम्हें भी ख्याल आ गया पूछने का शुक्रिया ठीक हूँ मैं सो जाओ तुम आई एम सॉरी मेरी वजह से तुम्हारी नींद ख़राब हो गई वो काफ़ी तलख लहजे में बोला था तुम मुझसे इस तरह से बात क्यों कर रहे हो जैसे तुम्हें मैंने ही किडनैप करवा कर मरवाया हो वह इसके अंदाज़ पर काफ़ी सख्ती से कहने लगी थी इसे गुस्सा आ गया था इसकी बात पर मैं इस वक्त बहस नहीं करना चाहता और ना ही तुमसे बात करना चाहता हूँ प्लीज़ सो जाओ न जाने क्यों इसे गुस्सा आ रहा था तुम्हें गुस्सा किस बात पर है शहीर क्या तुम मुझे बताना पसंद करोगे कौन सी गलती सरजर्द हो गई है मुझसे ये भी तुम्हें मैं बताऊं अरुष। तीन दिन हो चुके हैं मेरे साथ इस वाक़े को तुमने एक दफा भी मुझसे पूछा कि मैं कैसा हूँ ईमानदारी तो दूर की बात है तुमने झूठे मुंह आकर ये तक जानने की कोशिश नहीं की कि मुझे तकलीफ़ है या नहीं मैं शोहर हूँ तुम्हारा क्या मैं तुमसे इतनी उम्मीद नहीं रख सकता मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है शायद तुम अभी तक हमारा रिश्ता कबूल नहीं कर पा रही हो लेकिन इस सब के बावजूद भी एक चीज़ तुम्हें समझनी चाहिए बेशक इस रिश्ते में तुम्हारी मर्जी शामिल ना हो लेकिन फिर भी तुम यहाँ मेरी बीवी की हैसियत से आई हो मेरे सामने ना सही लेकिन मेरी फैमिली के सामने थोड़ी बहुत झूठी ही फिक्र शो तो कर सकती हो ना मेरे लिए ना सही एटलीस्ट मेरी फैमिली के लिए तो थोड़ी सी फिक्र दिखा सकती हो खैर शायद मैं तुमसे बहुत ज़्यादा की उम्मीद कर रहा हूँ आई एम सॉरी मुझे ही ज़्यादा उम्मीद नहीं लगानी चाहिए वो ग़ुस्से से कहता कमरे से ही निकल गया था जबकि अरूज को ख़ुद भी इस बात का एहसास हो रहा था कि पिछले तीन दिन से इसने शर से ठीक से बात तक नहीं की थी इसकी हालत पूछना तो दूर की बात थी हैप्पी birthday to टू यू हैप्पी to you, टू यू हैप्पी princess, happy डियर प्रिंसेस हैप्पी बर्थडे टू यू इसका माथा चूमते हुए गुनगुना रही थी जबकि वो उकताए हुए अंदाज़ में सब कुछ ख़त्म होने का इंतज़ार कर रही थी आई नो तुम्हारा बर्थडे ख़त्म हो चुका है लेकिन देखो ना, तुम पूरे बर्थडे पर एक सेकंड के लिए भी मुझसे नहीं मिली तो बाद में ही तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट कर पाऊंगा ना मैं तुम्हें तो तुम्हारे दोस्तों से ही फ़ुर्सत नहीं मिलती वो इसे केक वाले टेबल की तरफ ले जाते हुए कह रहे थे प्लीज़ मुझे नहीं करना ये सब ड्रामा नींद आ रही है मुझे मुझे सोना है वो उकताए हुए अंदाज में कह रही थी जबकि बाबा इसे ज़बरदस्ती टेबल के पास ले आए थे मेरा बच्चा हम सिर्फ़ केक काटेंगे इसके बाद तुम सोने चली जाना वो अब भी बड़े प्यार से बोले थे ना जाने कैसे इससे इन पर तर्स आ ही गया था एहसान करने वाले अंदाज में वो छुरी उठाती केक का कत्ल कर चुकी थी मैंने अपने बच्चे के लिए बर्थडे गिफ्ट भी रखा है वो एक टिकट इसे पकड़ाते हुए बोले तुम सवाद नारान और कागान जा रही हो वो भी पूरे एक हफ्ते के लिए फुल इंजॉय करो मैं अकेली इसने हैरत से पूछा था हाँ तुम अकेली जा रही हो और मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ जाकर बहुत खुश रहो बाबा इतना ड्रामा करने की क्या ज़रूरत है मैं जानती हूँ आप अपने किसी मिशन के लिए एक हफ़्ते के लिए कराची जा रहे हैं और इससे पहले मुझे किसी सेफ जगह भेजना चाहते हैं खैर मैं चली जाऊँगी वो टिकट उठाकर अंदर चली गई तो सयाल साहब पुरसकून हो गए थे क्योंकि इन्हें लगा था कि शायद वो जाने से ही मना कर देगी इसे आज नहीं आना था ऑफ़िस क्योंकि जहरिश ने सख्ती से मना किया था लेकिन वो फिर भी आ गई थी क्योंकि ज़रान इससे खफ़ा था और वो बहुत और सख्त खफ़ा था और इसे और इसे कैसे भी मना लेना चाहती थी वो जानती थी कि वो जब इसे बताएगी कि वो रुखसती के लिए तैयार है तो वो फ़ौरन मान जाएगा गुड मॉर्निंग मैम इसे आते देखकर जरान की सेक्रेटरी ने खुशगवार लहजे में कहा था जबकि वो इसे गुड मॉर्निंग कहती अपने टेबल पर बैग रखती तेज़ी से जरान के कमरे में आ गई थी लेकिन उसका कमरा बिल्कुल खाली पड़ा था और जिस तरह सलीके से सारी चीज़ें इसकी पड़ी हुई थी यकीनन वो अब तक ऑफ़िस आया ही नहीं था ये क्या अब तक नहीं आए अब तक तो वो आ जाते हैं ना वो परेशानी से सोचती हुई वापस बाहर आई थी जहाँ सेक्रेटरी अपना काम कर रही थी वो सीधी इसी के पास आई थी क्योंकि जरान का स्केड्यूल तो उसी के पास होता था जरान सर नहीं आए अभी तक वो इसके पास आते हुए कहने लगी तो सेक्रेटरी ने इसका चेहरा देखा था सर आज ऑफिस नहीं आ रहे बल्कि वो अपने किसी ज़रूरी काम के लिए दूसरी सिटी गए हुए हैं और शायद अगले तीन हफ़्तों में एक हफ़्ते तक नहीं आने वाले और मेरे ख़्याल में मैम आप भी नहीं आने वाली क्योंकि सर कह रहे थे कि आप लोग भी जा रहे हो मेरा मतलब है कोई फैमिली ट्रिप है जिसमें आप भी जा रहे हैं क्योंकि आपकी भी एक हफ़्ते की छुट्टी मंजूर हो चुकी है वो इसकी तरफ़ देखते हुए बताने लगी तो वो बिना कुछ बोले हाँ में सर हिलाती मुस्कुराकर कर अपनी टेबल पर आ गई थी इसे समझ नहीं आ रहा था कि जरान आज कहाँ था और फिर वो इसका फ़ोन भी तो नहीं उठा रहा था सिर्फ़ एक बार वो उसका फ़ोन उठा ले तो इसे सुकून आ जाए लेकिन वो तो फ़ोन पर ही बात नहीं कर रहा था इससे इतना ज़्यादा रूठ गया था ना जाने क्यों इसे रोना आने लगा था थोड़ी देर ऑफिस में आयशा और दुआ के साथ रहकर वो वापस घर के लिए निकल चुकी थी क्योंकि जरान के बग़ैर इसे ऑफिस में भी सुकून नहीं मिला था ये कहाँ जाने की तैयारी हो रही है सदीका हाला घर के अंदर दाखिल हुई तो सामने ही बैग्स वगैरह तैयार कर रहे थे अरे आइए सदीका हाला, कैसी हैं आप वो इन्हें सलाम करती सामने सोफ़े की तरफ़ बैठने का इशारा करने लगी। अल्लाह का करम है मेरी जान कहीं जाने की तैयारी हो रही है क्या तुम्हारी अम्मी ने तो नहीं बताया कि तुम लोग कहीं जा रहे हो वो वहीं सोफे पर बैठते हुए पूछने लगी थी हालाँ वो तो कहीं नहीं जा रही हम सब ने ज़रा घूमने फिरने का प्लान बनाया था तो ये सामान इधर इसलिए पैक कर रहे हैं एक हफ्ते तक जाने का इरादा है तो बस इसी लिए इसी मुनासबत से पैकिंग चल रही है ये ज़बर भाई के कपड़े मैंने पैक करके रखे हैं उसने फ़ौर बताया था <coughs> अच्छा अच्छा अच्छी बात है जाओ घूम फिर के आओ तुम्हारी सास कह रही थी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं कहीं कोई ख़ुशखबरी तो नहीं उन्होंने अचानक ही इसकी तरफ़ देखते हुए कहा तो अचानक ही जहरिश के चेहरे की खुशगवारीत मायूसी में बदल गई थी नहीं नहीं अभी ऐसी कोई बात नहीं वो तो बस ऐसे ही तबीयत ख़राब थी इसने मुस्कुरा कर इन्हें बताना चाहा था अच्छा अच्छा मुझे लगा कोई खुशखबरी है कोई बात नहीं अल्लाह खुशखबरी भी सुनाएगा एक दफ़ा जा कर जाओ तो सही पीर साहब के पास उन्होंने सरगोशाना अंदाज़ में कहा था नहीं हाला जब अल्लाह बेहतर चाहेगा तब हो जाएगा और वैसे भी ये खुदा के मामला हैं वो बेहतर जानता है वो एक ही जुमले में इन्हें खामोश करवा गई थी खैर छोरो ये तुम्हारी नई नवेली देवरानी कमरे से बाहर नहीं निकलती क्या जब से आई है सिर्फ एक वलीमे वाले दिन देखा है मायके गई हुई है क्या नहीं अपने कमरे में आराम कर रही है इसने मुस्कुरा कर बताया था आराम कर रही है कहीं कोई खुशखबरी तो नहीं सदीका हाला का पहला ख्याल यही था हाला इतनी जल्दी खुशखबरी थोड़ी ना आएगी वो मुस्कुरा कर बोली थी ना मेरी बच्ची आजकल की लड़कियां बड़ी तेज होती हैं शादी हुई नहीं के ख़ानदान में अपना हिस्सा डालने के लिए औलाद पैदा कर देती हैं घर में कदम जम जाते हैं लड़की के तू भी टाल मटोल ना कर ये ना हो कि देवरों के बच्चों की फौजें लग जाएं और तुम ऐसे ही खानदान वालों की हिंदते करती रह जाओ खैर में चलती हूँ बहुत देर हो गई है वो उठकर जाने लगी थी जबकि जहरिश ने रोका नहीं था इनकी सोच पर वो सिर्फ अफसोस कर सकती थी मैं ये सोच सोच कर हैरान हूं कि अभी तक कोई केस क्यों नहीं बना हालाँकि वो लोग केस करवाने वाले थे बल्कि पेपर तक रजिस्टर करवा चुके थे अभी तक पेपर यहाँ आपके ऑफिस नहीं आए सिर्फ कोर्ट तक ही रहा है शायद वो फ़ौर सुनवाई नहीं करना चाहते और ना ही इस केस का हल चाहते हैं मैंने सारी रिपोर्ट आज ही चेक की थी वहाँ पर ये कहीं पर भी नहीं लिखा था कि वो लोग केस कर रहे हैं या फिर इस केस इसके केस से जल्दी से जल्दी हल चाहते हैं बल्कि सुनने में आया है कि बारिक शाह एक हफ्ते के लिए कहीं जा रहा है थोड़ी सी मालूम लेने पर ख़बर मिली है कि बारिक शाह अपनी फैमिली के साथ एक हफ्ते के लिए सवाद नारान और का जा रहा है वो भी पूरी फैमिली का ट्रिप है जिस सारी फैमिली जा रही है बुज़ुर्गों को छोड़कर। वो इसके सामने बैठा बता रहा था जबकि वो थोड़ा हैरान था इसके हिसाब से दो तीन दिन में कोर्ट की कार्रवाई शुरू हो जाने वाली थी इस पर बड़ा केस बनने वाला था लेकिन हर तरफ़ से खामोशी छाई वो भी देख कर ख़ुद भी हैरान था और अब दूसरी बात सुन ये खबर मिली थी कि बारिक कहीं घूमने जा रहा था तुम श्योर हो ना वो अपनी फैमिली के साथ घूमने के लिए जा रहा है वह इसकी तरफ़ देखते हुए बोला तो उसने हाँ सर हिलाया था जबकि दामियार को अच्छा नहीं लगा था इज़ा को ये बात छुपानी नहीं चाहिए थी वो इससे दूर भाग रही थी जो वो होने नहीं दे सकता था ऐसा करो कि जहाँ पर इन लोगों ने अपने होटल की बुकिंग करवाई है बिल्कुल वहीं इसी जगह मेरे लिए भी बुकिंग करवाओ कितना भागोगी मिसेस इज़ा दामियार शाह मुझसे तुम जहाँ तुम जाओगी तुम्हारे हर रास्ते में मैं ही तुमसे मिलूँगा अब ये मामला मैं टालूँगा नहीं तुम्हें मेरी बाहों में आना होगा और किसी भी कीमत पर आना होगा तुम मेरी मोहब्बत के साथ यूँ ना इंसाफ़ी नहीं कर सकती मैं इस मामले को तुम्हारी मर्जी पर छोड़ रहा था लेकिन तुम मुझसे दूर भाग रही हो जो गलत है अब मैं खुद तुम्हारे भाइयों को बताऊंगा कि तुम्हारा मेरे साथ क्या ताल्लुक है मैं तुम्हें अपने जज्बात को बेमोल करने की इजाजत नहीं दूंगा वो तस्वुर में इससे मुहातिब था वाह भाभी क्या बात है आपने तो सबका सामान पैक कर दिया है मेरा भी कर दिया क्या वो इसके पास आकर बैठते हुए पूछने लगा था शेरी भाई मैं आपका सामान क्यों पैक करूँगी आप जाकर अपनी बीवी से कहें कि सामान पूरा पैक करें मैं तो बामुश्किल अपने कवारे देवर नंद और अपने शोहर का सामान पैक करने में कामयाब हुई हूँ अभी तो मेरी अपनी बारी ही नहीं आई और आपकी बीवी तो आज सुबह से मैंने खबर भी नहीं ली वो ना ही कमरे से निकली वो मसरूफ़ अंदाज में बोली क्या मतलब कमरे से नहीं निकली बाहर तो आई होगी ना वो इसे देखता सरसरी से अंदाज में बोला था जबकि पास बैठी अम्मी का देहान भी इसी तरफ था कहाँ बेटा वो तो खाना खाने के लिए भी बाहर नहीं आती जहरीश खुद जाती है इसको कहती है बाहर आने के लिए तो थोड़ी सी देर बाहर आकर हमारे साथ बैठती है वरना तो वो अपने कमरे से निकलती ही नहीं बेटा ऐसा कब तक चलेगा बात करना तुम बात करना इससे कहो हम सबके साथ हंस खेल कर रहा करे बेटा अच्छा लगता है जब कोई मेहमान आकर बहू को देखता है अब लोग आकर पूछते हैं तो ये कहते हुए अजीब लगता है कि वो कमरे में है पूरा पूरा दिन कमरे से निकलती ही नहीं है वो और अम्मी आज मजबूर होकर इसे अम्मी ने आज मजबूर होकर इसे बताया था क्योंकि इतने दिन गुजर जाने के बाद भी वो ना तो कमरे से निकलती थी और ना ही ठीक से किसी से बात करती थी मैं बात करता हूँ इससे अम्मी आप परेशान मत हों कल से वो बाहर भी निकलेगी और सबके साथ पे रहा करेगी वो कहते हुए कमरे में चला गया था कब तक कमरे में बंद रहने का इरादा है अरुश अब बस करो कब तक ये रोना दोना करना चाहती हो तुम तो। वो काफ़ी ग़ुस्से से अंदर आया था लेकिन इसे रोता देख कर नरम पड़ गया इसकी आंखों में आंसू इसे हमेशा शर्मिंदा करते थे क्योंकि ये आंसू इसी की वजह से थे वो इसकी ज़िंदगी को खुशियों से भर देना चाहता था लेकिन अफसोस कि वो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत ही आंसुओं से करवा चुका था इसे देखते ही अरूश ने अपने आंसू साफ किए थे इसे कमरे से बाहर भी इस कमरे से बाहर भी एक दुनिया है अरुश लेकिन अफसोस वो दुनिया मेरी नहीं है वो इसकी बात काटते हुए बोले ये सब कुछ तुम्हारा है अरूश ये घर इस घर के लोग मैं सब कुछ तुम्हारा है लेकिन मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए शहर साहब ये घर इस घर के लोग या आपकी ज़ात आपको मुबारक हो मुझे बस मेरा मान मेरी इज्जत वापस कीजिए मुझे बस मेरे बाप की नज़रों में मेरा मकाम वापस कीजिए मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी वो चिल्ला उठी थी, थी। अरुश आवाज कम रखो तुम्हारी आवाज बाहर जा रही है वो गुस्से से बोला था वो रोज रोज इसकी इन बातों से अब तंग आता जा रहा था क्यों कम रखू क्यों ना बोलूँ ताकि आप अपने घर वालों की नज़र में एक अच्छे बेटे बने रहें इन्हें भी तो पता चले कि इनके बेटे ने किसी की बेटी के साथ क्या किया है वो फिर से चिल्लाई थी यकीनन इसकी आवाज़ बाहर तक गई थी जबकि इसके आंसू को बहते देखकर इसे अपनी सख्ती का एहसास हुआ था इसने आगे बढ़ते हुए इसके लडसते वजूद को थाम कर अपने सीने से लगा लिया था अरुष को भी शायद किसी के सहारे की ही ज़रूरत थी इसके साथ लगते ही वो फूट फूट कर रोने लगी लो रो लो अरुष जितना रोना है रो लो लेकिन आगे बढ़ो खुदा के लिए भूल जाओ सब कुछ जो हुआ सो हुआ वो अब बदल नहीं सकता ना तो तुम्हारे रोने से बदल सकता है और ना ही तुम्हारे चिल्लाने से अब तुम्हें सब कुछ कबूल करना है और आगे बढ़ना है प्लीज़ भूल जाओ जो कुछ हुआ यहीं पर ख़त्म कर दो वो इसे समझाते हुए बोल रहा था जबकि वो भी यकीनी से इसके सीने से सर हटाती इसे देखने लगी थी इसकी नज़रों में कुछ ऐसा था जिस शेर को शर्मिंदा कर गया था भूल जाऊँ क्या भूल जाऊँ अपने ख़ानदान वालों के इल्ज़ाम या अपने बाप का झुका हुआ सर तीन साल तक नहीं झुका था मेरे बाप का सर शहीर साहब मेरा बाप तीन साल तक लड़ा था मुकाबला करता रहा था तुमने उसका सर झुका दिया तुम कहते हो मैं भूल जाऊँ नहीं मैं नहीं भूल सकती ना तो मैं भूलूँगी और ना ही तुम्हें भूलने दूँगी याद रखना याद रखना तुम वो गुस्से से इसे धक्का देती पीछे हटा चुकी थी हाँ हाँ मैं याद रखूँगा बस कर दो वो इसे एक बार फिर से अपने क़रीब करते हुए अपने सीने में छुपा चुका था अब बस इस वक्त इसे नॉर्मल करना चाहता था वो अरूज के साथ एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारना चाहता था लेकिन वो नॉर्मल होने को तैयार ही नहीं थी वो अपनी ग़लती मानता था वो जानता था इसने बहुत गलत किया है लेकिन इस बात को वो ख़ुद तक महदूद रख कर अरूज को एक नॉर्मल ज़िंदगी देना चाहता था जो मुमकिन नहीं था वह इसकी कोई बात सुनने को भी तो तैयार नहीं थी और वो खुद भी तो अंकल से रबता नहीं कर पाया था ना ही इसके पास इनका नंबर था और ना ही वो ठीक से वहाँ किसी को जानता था इसका इरादा खुद ही वापस कराची जाकर अंकल से मिलने का था क्योंकि अब इस मामले को वही हल कर सकते थे वो जब से वापस आई थी उदास उदास सी लग रही थी एक लम्हे के लिए भी जैसे सकून नहीं था दादी ने तो तीन दफ़ा इसकी परेशानी को नोट किया था क्या बात है तो इतनी परेशान क्यों है कोई परेशानी वाली बात है तो मुझे बता। तो जरान को ये खुशखबरी सुनाने जा रही थी ना कि तू रुखसती के लिए तैयार है तो अब अचानक से क्या हो गया जो तू इस तरह से मुंह बना कर बैठी है दादी इससे पूछने लगी थी और वो ज़्यादा नाराज़ हो वो और ज़्यादा नाराज़ हो गए हैं दादी मुझे छोड़ कर चले गए हैं वो अपने किसी काम के लिए मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहे मैं इन्हें कितनी कॉल्स कर चुकी हूँ वो परेशानी से अपना फ़ोन इनके सामने रख चुकी थी जहाँ वो सरान को कभी व्हाट्सएप पर तो कभी इसके नंबर पर कॉल करने की कोशिश कर रही थी लेकिन मजाल थी जो सरान इसे तंग करने का कोई मौका हाथ से जाने दे वो उसका फ़ोन उठा ही नहीं रहा था बहुत नखरे चढ़ गए हैं इसको मैं सेट करूँगी तो फिकर मत कर बिल्कुल बेफिक्र हो जा अगर वो नाराज़ है तो इसकी नाराज़गी मैं दूर करूँगी वैसे भी कल सुबह तुम सबको रास्ते में ज्वाइन करेगा ये बात अभी वो बारिक बता रहा था बाहर सब को के जरान अपने किसी काम के लिए दूसरे शहर गया है और वो रास्ते में तुम लोगों के साथ हो जाएगा तुम्हारे सारे मामलों का हल मैं निकाल लूँगी बस अब उदास मत होना मेरी बच्ची वो इसे अपने साथ लगाते हुए बोली तो वो कुछ हद तक रिलैक्स हो गई थी अम्मी आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया ऐसा कैसे मुमकिन है इस तरह से रुखसती नहीं होती और ना ही आप इस तरह ही इजाजत देंगी खानदान है बलादरी है और मैं हरगिज़ इस तरह से रुखसती के हक में नहीं हूँ सुबह के वक्त जब वो सब लोग जाने लगे तो दादी ने सब बड़ों को अपने कमरे में बुलाया था और कहा था कि जरान को घर पर बुलाएं ताकि वो रुखसती कर सकें उसामा मैं मैंने तुम्हें पहले भी कहा था अब भी कह रही हूँ जरान के मामले में मैं तुम बोलने का कोई हक नहीं रखते तुम जो कर चुके हो बस ठीक है अल्लाह अल्लाह करके बच्चा रुखसती के लिए राज़ी हुआ है मैं अब मज़ीद देर नहीं करूँगी बुलाओ जरान को मैं आज ही सादगी से रुखसती करूँगी और वैसे भी इबादत मेरी मर्ज़ी से इस घर आई है ना तो मैं अपनी मर्ज़ी से इसे इसके शोहर के साथ रुखसत करना चाहती हूँ जिसमें कुछ भी ग़लत नहीं है वो कहते हुए फ़ोन मिला रही थी जब जरान ने दूसरी तरफ़ से फ़ोन उठा लिया जी दादी इन लोगों से कहें कि वो घर से निकलें मैं भी होटल से निकल रहा हूँ मैं रास्ते में इन लोगों को जॉइन कर लूँगा कान खोल कर मेरी बात सुनो लड़के तुमने दो दिन से मेरी इबादत को तंग करके रखा हुआ है समझते क्या हो अपने आप को कहीं के राजकुमार हो वो सख्ती से पूछने लगी तो जरान के लबों पर मुस्कुराहट आ गई जी दादी माशाल्लाह से मेरी दादी तो मुझे राजकुमार ही कहती हैं, इसने शरारत से कहा था खामोश गुस्ताख मेरी बेटी से नाराज़ होने की या इसे तकलीफ़ पहुंचाने की गलती ग़लती से भी मत करना वो बाहर की तरफ कदम उठाती अपनी बहू का हाथ थाम चुकी थी जबकि इनके साथ ही बाकी सब लोग भी बाहर आए थे अब तुम ठीक से और देहान से मेरी बात सुनो वो नाराज़गी से गोया हुई तो जरान भी अलर्ट हो गया था जी दादी मैं तो इससे नाराज़ नहीं हूँ और ना ही ऐसा कुछ है बस थोड़ा सा मसरूफ़ था तो इसका फ़ोन अटेंड नहीं कर सका इसने बात बनाने की कोशिश की थी लेकिन जानता था मामला दादी तक पहुँच चुका है मैं अपनी इबादत को सादगी से रुखसत कर रही हूँ मतलब तुम्हारे हवाले कर रही हूँ अभी और इसी वक्त मेरा दिल तो चाह रहा था कि तुम इस वक्त यहाँ होते और ख़ुद अपनी दुल्हन को लेकर जाते लेकिन तुम्हारी दुल्हन तुम तक आ रही है वो बाहर निकलते हुए काफ़ी ऊंचे आवाज़ में बोल रही थी और इनके अल्फाज वहाँ मौजूद सब लोग सुन रहे थे दादी इस तरह से सबसे पहले होश बारिक को ही आया था जब उन्होंने हाथ उठाकर इसे खामोश करवा दिया मैं अब इस मामले में मज़ीद कोई तखीर नहीं चाहती तुम दोनों के वापस आने पर धूम धाम से वलीमा होगा और तुम्हारी तुम्हारी तरफ से मुझे कोई भी शिकायत ना मिले वरना तुम्हारे कान खींचूंगी। याद रखना अगर तुमने मेरी इबादत को तंग किया या इसे कोई भी फजूल बात की ना तो याद रखना वापिस मेरे पास ही आना है वो काफ़ी सख्ती से बोल रही थी जबकि जरान अपनी मुस्कुराहट के साथ अपना बैग उठाए कमरे से निकल गया था अपनी इबादत से भी पूछ लीजिएगा कि वो रुखसत होना भी चाहती है या नहीं कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं चलेगी दादी इसकी मर्जी से होगा जो होगा वो सीढ़ियां उतरते हुए ड्रामाई अंदाज में बोला था वो मेरी मर्ज़ी पर चलती है अपनी मर्जी पर नहीं अगर मैंने कह दिया कि रुखसती हो गई तो मतलब हो गई अब से वो तुम्हारी बीवी है उन्होंने कहते हुए फ़ोन बंद कर दिया था जबकि जरान जल्दी से होटल से बाहर निकला था वैसे तो इन लोगों को यहाँ पहुँचने में तकरीबन एक घंटा लगना था लेकिन इसकी बेचैनी हद से सवार थी वो बस कैसे भी इबादत तक पहुंच जाना चाहता था और अब तो दादी ने भी इजाज़त दे दी थी मतलब अब वो इसकी बीवी थी वो हर तरह से इस पर हक़ रखता था और यकीनन अब तो इबादत भी इससे दूर नहीं भागने वाली थी वो इसके लिए यही खुशी काफ़ी थी वो जल्द से जल्द इस तक पहुंच जाना चाहता था सो uh, गायस so ये थी आप लोगों की एपिसोड और ये थी इस हफ्ते की लास्ट एपिसोड हम मिलेंगे अब मंडे से यानी कि नए साल से भाई इस साल मेरी आपके साथ कोई मुलाकात नहीं होगी तो जैसा कि आपको पता है कि दूसरे चैनल पर मैं काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ थी पिछले एक हफ़्ते में और बीमार भी थी तो मैं कर नहीं सकी उसका काम तो मंडे से हम रेगुलर उस पर भी काम करेंगे और मैंने कौन सी बात करनी थी यार बातें तो मेरे पास बहुत हैं लेकिन आप लोग मेरी बातें बर्दाश्त नहीं कर सकते इसीलिए मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगी तो और मैंने कहना तो था यार हाँ भाई नेक्स्ट बहुत ट्विस्ट आने वाले हैं मंडे से सारे कपल्स की इन लाइफ में बड़ा ट्विस्ट आएगा तो लाइक के लिए तो मुझे कसम को से कोई शिकायत है ही नहीं आप लोग माशाल्लाह से बहुत सारे लाइक्स दे रहे हो और बस रिक्वेस्ट ये है कि आगे भी आप लोग ऐसे ही लाइक करते रहोगे बाकी यार मंडे से हम ये नावल पेज पर फ़ेसबुक पेज पर स्टार्ट कर देंगे और मेरा नावल एक लफज़ इश्क ये भी मैं फ़ेसबुक पेज पर दोबारा से पोस्ट करूँगी क्योंकि उसका लिंक नहीं बन रहा मैं बार बार लिंक बना रही हूँ बार पर लिंक खराब हो रहे सारे लिंक एक्सपायर हो गए जितने मैंने फेसबुक पर डाले हुए थे तो अब दोबारा से उन लिंक्स को बनाने में ज़हरी सी बात है बहुत वक्त लग जाएगा शायद सारे नावल दोबारा पोस्ट करने पड़ेंगे तो अभी तो सिंगल सिंगल ही पोस्ट करूँगी या लंबी एपिसोड में पोस्ट नहीं करूँगी तो बस यही आपको बताना था कि मैं वहाँ पर भी पोस्ट करूँगी और इन अपने ग्रुप में भी पोस्ट करूँगी इंस्टाग्राम पर मुझे पोस्टिंग करनी आती नहीं है अगर आ गई तो वहाँ पर भी मैं पोस्ट कर दूँगी तो जिस जिसने जहाँ जहाँ ज्वाइन करना है वहाँ वहाँ आप लोग ज्वाइन कर सकते हो और यार यूट्यूब की वीडियोस बहुत लंबी लंबी बनानी पड़ती है अगर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जिस जिसको एक लफ्ज़ इश्क नावल सलार शाह और सीरत वाला जिसने नहीं रीड किया हुआ बताइएगा मेरा अपना फेवरेट और फर्स्ट नावल है तो मैं उसको एक न्यू एडिशन में लेके आऊँगी तो फर्स्ट नस... फ़र्स्ट जनवरी से मेरा भी दिमाग घूमा मैं फ़र्स्ट जुलाई बोल रही हूँ फर्स्ट जनवरी से मैं लेके कर आऊँगी तो हर जगह ले आऊँगी जहाँ जहाँ आप कहेंगे तो हर में मिलूंगी आपको नेक्स्ट एपिसोड में मंडे यानी कि नेक्स्ट ईयर मैं आप मिलूँगी आपको नवे साल में जाकर तब तक के लिए आप अपनी राइटर को दुआओं में याद रखें और बहुत सारी दुआएँ दें और अल्लाह पाक आपकी भी सारी दुआएँ कबूल फरमाए और जो जो आपकी ख्वाहिशें हैं नए साल के साथ सारी पूरी हूँ और इंशाल्लाह हम मिलेंगे आप 2024 में तब तक के लिए अपने राइड को नहीं इजाज़त और दुआओं में याद रखें अल्लाह हाफिज